नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे उस कंडीशन के बारे में जिसमें औरतों के चेहरे, चेस्ट और पीठ पर दाढ़ी जैसे बाल निकल आते हैं। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। हाई ब्लड प्रेशर के बारे में एक बड़ी गलतफहमी आज दूर कर लीजिए। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे मूड ठीक करना है तो केला खाइए। प्रतिमा गाजियाबाद की रहने वाली हैं, उम्र 24 साल है। उनका हमें मेल आया। प्रतिमा ने बताया कि जब वो 12 साल की थी तब उन्हें पीरियड्स शुरू हुए थे। प्यूबर्टी शुरू होने के कुछ समय बाद ही उनके चेहरे और पीठ पर दाढ़ी जैसे बाल निकलने लगे। उनके परिवार को तब लगा था कि समय के साथ ये ठीक हो जाएगा, पर जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी वैसे वैसे बालों की ग्रोथ बढ़ती चली गई। बाल और ज़्यादा हार्ड होने लगे। शुरू शुरू में प्रतिमा को बहुत असहज लगता था। एक दिन उन्होंने अपने पापा का रेजर लिया और चेहरे पर शेव कर लिया। खूब डांट पिटी, बाल फिर वापस आ गए। आखिरकार उन्होंने स्किन के डॉक्टर को दिखाया, तब पता चला कि प्रतिमा को हर्सूटिज्म नाम की कंडीशन है। इसमें औरतों के शरीर पर दाढ़ी जैसे बाल निकल आते हैं। कई सालों से प्रतिमा इसका जो ट्रीटमेंट है वो ले रही हैं, पर वो चाहती हैं कि हम लोगों को इस कंडीशन के बारे में बताएं, ताकि अगर कोई लड़की या महिला इससे ग्रस्त है तो उसे पता हो कि उसे क्या करना चाहिए और क्या हरगिज नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं हर्सूटिज्म क्या होता है और क्यों हो जाता है। हर्सूटिज्म महिलाओं में होने वाली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी के कुछ पार्ट्स पे बाल थिक और काले और बहुत ही सख्त हो जाते हैं। अक्सर ये बाल फेस पर, यानी अपर लिप, चिन और साइड बन पर, या फिर चेस्ट पे, निपल्स के अराउंड, या मिडरिफ, यानी हमारे पेट के नीचे वाले भाग पर होते हैं। इसलिए हर्सूटिज्म में अगर आप देखें तो जहाँ पे फीमेल्स को बाल थिक नहीं होने चाहिए, काले नहीं होने चाहिए, वहाँ पर बाल थिक हो जाते हैं, और ऐसी जगहों पे जहाँ पे एक मेल को या पुरुष को बाल होते हैं, इस कंडीशन को हर्सूटिज्म बोलते हैं। हर्सूटिज्म के साथ एक नाम जुड़ा होता है जिससे अक्सर कन्फ्यूजन होती है, उसका नाम है हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस एक हार्मोन कंडीशन नहीं होती है। हाइपरट्राइकोसिस और हर्सूटिज्म में ये डिफरेंस है कि वहाँ पे बाल सिर्फ एंड्रोजन डिपेंडेंट एरियाज ही नहीं बल्कि पूरी बॉडी में बाल ज़्यादा होते हैं। ये कंडीशन जेनेटिक भी हो सकती है, और ये डिफ्रेंशिएट करना इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दोनों का ट्रीटमेंट बहुत डिफरेंट है। हर्सूटिज्म के बहुत कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है PCOS या PCOD या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी कि जो हमारे शरीर में मेल हार्मोन होता है उसके बढ़ने से, या फीमेल हार्मोन के कम हो जाने से, जो मेल और फीमेल हार्मोन के बीच का बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और इसलिए इन जगहों पर अनचाहे बाल आ जाते हैं। इसके अलावा हर्सूटिज्म काफ़ी मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट की वजह से भी हो सकता है। एक मेडिकल कंडीशन है कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया, इसमें भी हर्सूटिज्म, यानी कि इन जगहों पे बाल थिक हो सकते हैं, या फिर कुछ और जेनेटिक कंडीशंस हैं जिसकी वजह से आपको हर्सूटिज्म हो सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे हर्सूटिज्म का कारण एक्सप्लेन नहीं हुआ है, जैसे अगर आप ओबीस हो जाएं या वेट गेन करें तो उसकी वजह से एंड्रोजन इम्बैलेंस हो जाता है और आपको थिक हेयर, यानी हर्सूटिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है। आपको हर्सूटिज्म के पीछे का कारण पता चल गया। अब बात करते हैं कि अगर ये कंडीशन है तो क्या गलतियां आपको एकदम नहीं करनी चाहिए, और साथ ही इसका इलाज क्या है। अगर आपको हर्सूटिज्म है तो सबसे पहले आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, जो सही टेस्ट करके आपको उसका सही कारण और इलाज बता सकते हैं। कुछ नेचुरल मेथड्स जिससे आप अपने हर्सूटिज्म को कंट्रोल में रख सकते हैं। सबसे पहले वजन कम करना। वजन बढ़ने से मेल हॉर्मोन्स ओवर प्रोड्यूस हो जाते हैं जिनसे हर्सूटिज्म बढ़ जाता है। वजन कम करने के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल, यानी डाइट और एक्सरसाइज दोनों बहुत ही जरूरी है। डेली एक्सरसाइज करना। हेल्दी डाइट में आपको प्रोसेस्ड फूड्स, शुगर कंटेंट वाले, हाई शुगर कंटेंट फूड्स और जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। एक हेल्दी बॉडी के साथ हमें हमारे हॉर्मोन्स को मेंटेन कंट्रोल रखने के लिए एक हेल्दी माइंड का होना भी बहुत जरूरी है।
मेडिटेशन, योगा, इन सारी टेक्निक से आप अपने स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल कर सकते हैं और हर्सुटिज्म को बढ़ने से रोक सकते हैं। हर्सुटिज्म के ट्रीटमेंट में कुछ मेडिकेशंस जो मेल हॉर्मोन्स को कम करते हैं, जैसे ओसी पिल्स, स्पिरोनोलैक्टोन, फिनेस्टेराइड, ये दिए जाते हैं, जो हर्सुटिज्म के रूट कॉज को ट्रीट करता है, हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है और नए बाल को आने से बचाता है। लेकिन जो बाल ऑलरेडी आ चुके हैं उन्हें हटाने के लिए आप कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स जैसे वैक्सिंग, थ्रेडिंग, शेविंग, ये कर सकते हैं। बट ये टेम्पररी मेथड्स है, यानी कि आपने जितने बाल निकाले थे कुछ समय बाद उतने ही बाल दोबारा आ जाते हैं। तो यदि आप कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, कोई लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो लेजर हेयर रिमूवल सबसे बेस्ट टेक्निक है। लेजर स्किन के अंदर जाके बालों को जड़ से डिस्ट्रॉय कर देती है। एक सेशन में लगभग 20% बाल एक साथ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और दोबारा नहीं आते हैं। ऐसे 8 से 10 सेशन में ऑलमोस्ट सारे बाल खत्म हो जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर हॉर्मोन्स आपके बैलेंस में नहीं है या आगे जाके कुछ हॉर्मोनल इरेग्युलरिटीज होती है, तब बाल दोबारा आ सकते हैं, खास करके उन जगहों पर जो मेल हार्मोन डिपेंडेंट है, जैसे कि चिन या चेस्ट या साइड बर्न्स। इन केसेस में लेजर के साथ मेडिकेशंस लेना जरूरी है। बट आज की तारीख में सबसे सेफ, इफेक्टिव और लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन है लेजर हेयर रिमूवल फॉर हर्सुटिज्म। ट्रीटमेंट के बारे में डॉक्टर से आपने जान लिया, तो अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को ये कंडीशन है तो सही ट्रीटमेंट लीजिए। घर पर गूगल से पढ़कर कोई इलाज खुद करने की कोशिश हरगिज मत करिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। हाई ब्लड प्रेशर, ये शब्द सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है? यही कि अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो उसे खूब पसीना आ रहा होगा, वो कांप रहा होगा, चेहरा एकदम लाल हो गया होगा। पर हमेशा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कई बार हाई ब्लड प्रेशर के जो आम लक्षण हैं वो दिखते नहीं हैं। आपको पता है, हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन या फिर साइलेंट किलर भी कहा जाता है। इसके पीछे एक वजह है। हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण तब तक आपको साफ तौर पर नहीं दिखते हैं जब तक इसकी वजह से आपके किसी खास शरीर के अंग को नुकसान ना पहुंचे। ज़्यादा हाइपरटेंशन का होना नुकसानदेह हो सकता है, जैसे स्ट्रोक यानी दौरा, हार्ट फेल, किडनी फेल हो जाना। इसलिए ज़रूरी है कि हाई ब्लड प्रेशर का पता सही समय पर आपको लग जाए। इसलिए हर कुछ दिनों में अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाते रहें, खासतौर पर अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। और हाँ, अपनी डाइट पर खास ध्यान दीजिए। वो फल और सब्जियाँ खाइए जिसमें विटामिन सी हो, जैसे कि संतरे, नींबू, टमाटर। दाल और राजमे में होता है फाइबर, मैग्नीशियम और पोटाशियम। ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। इसके अलावा सिगरेट पीते हैं तो छोड़ दीजिए, ये जहर है। अपनी डाइट में नमक की मात्रा कम रखिए। और हाँ, एक्सरसाइज ज़रूर करिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आधा घंटा रोज़ वॉक करिए, समझे? अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। अगर आपका मूड ठीक नहीं है तो केला खाइए। अब आप पूछेंगे कि केला क्या कर लेगा? इसमें होता है विटामिन B6 अच्छी खासी मात्रा में, और ये मदद करता है आपके शरीर में दो केमिकल्स बनने में, जिनका नाम है डोपामाइन और सेरोटोनिन। ये केमिकल आपके ब्रेन में बनते हैं और आपको अच्छा और खुश महसूस करवाते हैं। एक केले में होता है लगभग 16 ग्राम शुगर और 3.5 ग्राम फाइबर। फाइबर के संपर्क में आने के बाद शुगर आपके खून की नसों में रिलीज होता है। इससे आपका ब्लड शुगर लेवल यानी खून में जो शुगर की मात्रा है वो बैलेंस में आ जाती है और आपका मूड भी अच्छा होता है। पर हाँ, अगर आपको डायबिटीज़ है तो ये तरीका आपके लिए ठीक नहीं है, इसलिए इसे अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हम एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ है विभव। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।